गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन प्रीवियस वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दिस आई द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज द मोर एडवांस देन एंड इट इज फाइंड इन एडवांस एनिमल. सो आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं. लैंगिक जनन होता क्या है, तो इसमें होता क्या है, देखिए लिख रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा. तो ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्पर्म और ओवा का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रायो बनता है. एम्ब्रायो से एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा क्या होता है, चाइल्ड का निर्माण होता है. तो इसमें पहला जो केस क्या है, इसमें यूनियन ऑफ गैमिट होता है, मतलब इसमें जो दो गैमिट होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं. तो कौन कौन सा, अगर पर्टिकुलर ह्यूमन के केस की बात करें तो स्पर्म हो गया और ओवा हो गया. तो स्पर्म, स्पर्म का मेल का साइन क्या होता है आपका, ये एरो, और फीमेल का ये. तो ये क्या करते हैं, ये गैमिट का किसका साइन है, गैमिट का साइन है. तो मेल और फीमेल गैमिट क्या कर रहे हैं, आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, ये जो होता है जाइगोट का निर्माण करते हैं. गैमिट आर प्रोड्यूस इन गुनेड विच आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ये कह रहा है कि जो गैमिट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, गुनेड में प्रोड्यूस होते हैं. जैसे आपका गुनेड क्या है, गोनेड, इसको आप सिंपली भाषा में कह लीजिए तो ये आपका जो है रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है. तो दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव आर्गन है, मेल गोनेड, जैसे मेल गोनेड हो गया, और फीमेल गोनेड हो गया, मेल गोनेड और फीमेल गोनेड हो गया. तो इसका सीधे से मतलब ये कह रहा है कि ये जो स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा किस में बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में. मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को क्या कहते हैं, आपका टेस्टिस है. आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है. टेस्टिस क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, और जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या हो गया, ओवरी हो गया. और जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो हो गया टेस्टिस, टेस्टिस में ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है. क्या बनता है, स्पर्म बनता है. जबकि ओवरी में ही क्या बनता है, एग बनता है, या इसको ओवा भी कहते हैं. क्या कहते हैं, ओवा भी कहते हैं. तो यहाँ देखिए एकदम क्लियर कट इसको समझ लीजिए, जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, वृषण होता है. और वृषण में, वृषण क्या है, नर जनन अंग है, या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जिसमें नर युग्मक बनता है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं. जबकि ओवरी, ओवरी क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, मादा जनन अंग होता है, और इसमें जो गैमिट बनता है वो क्या होता है, एग होता है. तो ये क्लियर है. अगला पॉइंट ये कह रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड सिंगैमी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सिंगैमी अगर आपको आ गया लिखने को, सिंगैमी क्या है, तो सिंगैमी एक्चुअली है क्या, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, या इसको सिंपल से कह लीजिए, दो न्यूक्लियस आपस में मिल करके जब जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी. तो पूछा जाएगा कि जाइगोट का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सिंगैमी के द्वारा होता है. और फिर अगला जो पॉइंट कह रहा है, चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है कि जो गैमिट होते हैं वो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइसोगैमिट और दूसरा होता है एनआइसोगैमिट. आइसो, आइसो का सीधे से मतलब होता है, आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल. आइसो मीन्स इक्वल, आईएसओ, आइसो मीन्स इक्वल. और गैमिट मतलब, गैमिट मतलब ऐसा गैमिट जिसमें मेल और फीमेल क्या हो जाए, एक ही आकार के हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमिट. क्या बोलेंगे, आइसोगैमिट. तो देखिए, द मेल एंड फीमेल गैमिट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब ये कह रहा है कि ये बाहर से जो मेल और फीमेल गैमिट है, मेल और फीमेल गैमिट जो है, ये बाहर से देखने पे क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इन टू द मेल एंड फीमेल गैमिट एज इन द सेम, मतलब इसमें ये इतने हूबहू होंगे कि हम इनको पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मेल गैमिट है और कौन सा फीमेल गैमिट है. मतलब बाहर से देखने पे एक जैसे लगते हैं. ये क्या होता है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है. इस तरह का कंडीशन किस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है, और मोनोसिस्टिस में पाया जाता है. अगला कंडीशन, एन आइसोगैमिट्स क्या होता है, हेट्रोगैमिट्स. इसको हेट्रोगैमिट नाम से ही लग रहा है, हेट्रो, हेट्रो मीन्स क्या होता है, विषम. हेट्रो मतलब विषम, विषम मतलब क्या होगा, एक बहुत बड़ा होगा, एक गैमिट जो है बड़ा होगा, और एक क्या होगा, छोटा होगा. वो कोई भी हो सकता है, मेल बड़ा हो सकता है, फीमेल छोटी हो सकती है, या
फीमेल गैमेट बड़ा हो सकता है, मेल गैमेट छोटा हो सकता है, तो इसके लिए कोई भी कंडीशन आएगा। आइए अगला देखते हैं। ये कह रहा है एन आइसोगैमिट्स मेल एंड फीमेल गैमिट आर डिसिमिलर इन साइज। ये कह रहा है कि जो मेल और फीमेल गैमिट है वो क्या होता है, डिसिमिलर होता है। डिसिमिलर मतलब वो एक समान नहीं होते हैं, किसमें, साइज, आकार और प्रकार में, आपके साइज और शेप में। अगला पॉइंट, द मेल गैमिट इज स्मॉलर इन साइज। ये कह रहा है कि जो मेल गैमिट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल। ये जो कह रहा है कि जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट का साइन ये है, मेल गैमिट क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है और क्या होता है, मोटाइल होता है, अर्थात इसमें क्या होगा, फ्लैजिला लगे होंगे। क्या लगे होंगे, फ्लैजिला। एंड डिफिशियंट इन स्टोरेड न्यूट्रिएंट कॉल द माइक्रो गैमिट एंथ्राजॉइड आर स्पर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो। ये जो छोटा साइज होता है ये क्या होता है, ये जो होता है अपने अंदर जो होता है पोषक पदार्थों को उतना इकट्ठा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो होता है साइज में छोटा हो जाता है। अब आइए फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट इज मच लार्जर इन साइज। जो फीमेल गैमिट होता है वो क्या होता है, लार्जर साइज का होता है। क्या होता है, लार्जर साइज का होता है। और क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल मतलब इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। एंड लैडन विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, और इसके अंदर क्या होता है, बड़ी प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमिट, या इसी को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट, द यूनियन बिटवीन द टू सच मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमिट इज कॉल्ड द एन आइसोगैमी आर हेट्रोगैमी। देखिए एन आइसोगैमी क्या है, दो अलग तरह के जो क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली अलग हो, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली देख सके, उनको देख करके पहचाना जा सके, यदि उस तरह के गैमिटों का फ्यूजन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमिट है। देखिए इसमें हेट्रोगैमिट में आपको क्या होगा, एकदम क्लियर कट दिखेगा कि मेल या फीमेल में एक गैमिट क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, जबकि दूसरा गैमिट क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। एक में फ्लैजिला होगा, जैसे मेल में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, वो मोटाइल होता है, और फीमेल में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे एडवांस मेथड कौन सा है रिप्रोडक्शन का, तो सबसे एडवांस मेथड क्या है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों, इसका जो है एक देखिए क्वेश्चन भी आता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस देन एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोड बनता है। क्या बनता है, जाइगोड बनता है। तो जाइगोड बनने से क्या फ़ायदा है, जाइगोड क्या करता है, जाइगोड से ही फिर आपका भ्रूण बनता है। तो जाइगोड क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसी के कारण जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है क्या कहते हैं, मोर एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो अगला टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखिए सेक्सुअलिटी का सीधे से मतलब है कि जैसे पहला हम लोग में क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, मेल अलग होता है और क्या होता है, फीमेल अलग रहती है, एक ही बॉडी पर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही शरीर में मेल है, एक ही शरीर में फीमेल है, लेकिन प्लांट में ऐसा क्या होता है, होता है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं भाई, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, यूनि का मतलब वन, सेक्स का मतलब आपका लिंग से है, मतलब जो क्या हो, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या करे, जो मेल या फीमेल में से एक को धारण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। देखिए कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल का क्या करता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, जो प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। यदि पौधे में क्या हो, मेल और फीमेल एक ही पौधे पर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। और अगर अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो यह क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। और उसके बाद इन सेवरल फंजाई, ये फंजाई में भी क्या होता है, प्लांट टर्म एज ए होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डोनेट द बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथैलिक एंड आयोसियस द टर्म यूज द डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। देखिए दो टर्म होता है, एक यूनिसेक्सुअल एक बाइसेक्सुअल। तो ये कह रहा है कि जो यूनिसेक्सुअल होता है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल में आपका वन, मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल होगा, वो प्लांट हो, एल्गी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें एक ही सेक्स पाया जाएगा। जबकि बाइसेक्सुअल में क्या होगा, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। इन एंजियोस्पर्म द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट दैट इज बियरिंग स्टेमेंस वाइल द फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर हैविंग पिस्टिल। ये कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जितने भी आप प्लांट इस समय देख रहे हैं अपने आसपास, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्म कह रहा है कि जो मेल फ्लावर है वो क्या होता है, उसमें उसको स्टेमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेंस। जबकि फीमेल को पिस्टिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। आइए इन एंजियोस्पर्म बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस। तो मोनोसियस क्या होता है, जिस पे मेल
ध्यान से सुनिएगा, जिसपे मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाए उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस। डायोसियस क्या होता है, जिसपे मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो आप इसको अपने पे याद कर लीजिए, जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग में मेल और फीमेल अलग अलग होता है तो हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। क्या हैं हम लोग, यूनिसेक्सुअल हैं। और क्या होता है, हम लोग अलग अलग पाए जाते हैं तो हम लोग यूनिसेक्सुअल डायोसियस हैं। हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल डायोसियस है, मतलब हम लोग में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल पर पाया जाता है, अलग अलग सेक्स होता है, इसीलिए हम लोग यूनिसेक्सुअल डायोसियस है। वही ये कह रहा है, ये कंडीशन क्या होता है, प्लांट में भी होता है। तो ये कह रहा है कि मोनोसियस क्या होता है, सेम इंडिविजुअल, मतलब सेम प्लांट पे मेल और फीमेल पाए। डायोसियस को आप ऐसे याद कर लीजिए, डिफरेंट, मतलब मेल और फीमेल क्या होगा, अलग जगह पर पाया जाएगा, डिफरेंट जगह पर पाया जाएगा। अब आइए जो अगला पॉइंट है, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप लोग एकदम रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं कि मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या होता है, कुकुरबिटा, जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, और ये आपका क्या होता है, कोकोनट, नारियल, ये सब क्या है, मोनोसियस है। मोनोसियस का सीधे से मतलब क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही पे पाया जाता है। जबकि डायोसियस प्लांट क्या क्या है, आपका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। पपाया जो पपीता होता है ना, पपीता में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, मतलब जो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि एक फलता है एक नहीं फलता है। इसी तरह डेट पाम, जो खजूर भी होता है वो भी क्या होता है, आपका डायोसियस होता है, मतलब इसमें मेल अलग प्लांट होगा और फीमेल अलग प्लांट होगा। अब आइए, एज रिगार्ड टू द एनिमल इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल आर फीमेल यूनिसेक्सुअल, सॉरी, एज रिगार्ड टू एनिमल इंडिविजुअल टू ऑल स्पीसीज आइदर मेल आर फीमेल यूनिसेक्सुअल आर स्पीसीज विच पजेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज बाइसेक्सुअल। ये फिर सेम वही कंडीशन कह रहा है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा है, बस एक एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल देकर के आपको समझना है। वही यूनिसेक्सुअल, अपने को बस याद रखिए, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं और क्या है, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल है और क्या है, डायोसियस, जूडी याद रखिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे अधिक आपको जो है पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन आया जाएगा, और इतना ही माना जा रहा है कि आप मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, इसको हम फिर से समझाएंगे। बस अब इसको आपको एग्जाम्पल रख लेना है। देखिए स्पॉन्ज, टेपवर्म, अर्थवर्म जिसको केचुआ कहते हैं, और लीच, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, और हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल का सीधे से मतलब है, इसमें मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल पर पाए जाते हैं। जैसे केचुआ में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही में पाया जाता है, उसी तरह स्पॉन्ज में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही में पाया जाता है। जो टेप वर्म है, एक ही शरीर में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अब आइए अगला कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। जैसे सिंपल सा इसको, हर्माफ्रोडाइट को आपको याद करने का एक अच्छा तरीका बता दे रहे हैं। आप शंकर जी की मूर्ति देखे होंगे, शंकर जी और पार्वती का, शंकर जी पार्वती में क्या होता है, आधा इधर शंकर जी रहते हैं, आधा इधर पार्वती जी रहती हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट का कंडीशन, मतलब जब लंबवत क्या हो जाए, लंबवत इधर शंकर जी इधर पार्वती जी, तो क्या हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट। अब बाइसेक्सुअल कौन भाई, किसका नाम है, बाइसेक्सुअल का सीधे से मतलब ये वाला कंडीशन हो जाए, ऊपर मेल नीचे फीमेल, या नीचे मेल ऊपर फीमेल, और जब लंबवत हो जाएगा, इधर इधर पूरा मेल रहेगा और इधर पूरा फीमेल रहेगा, तो ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन हो गया। तो आपको बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट समझ में आया, तो आप जो है इसको समझ लीजिए। अब अगला जो है पॉइंट कर रहा है, हर्माफ्रोडाइट आर आइदर प्रोटोगाइनस आर प्रोटेंड्रस। तो जो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट जब भी कंडीशन आए, आप बस ऐसे याद रख लीजिए, शंकर पार्वती जी आधा आधा, ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है। तो ये कह रहा है कि जो प्रोटेंड्रस, प्रोगाइनी, गाइनस मतलब गाइनेसिन, प्रो मतलब जो पहले, मतलब ऐसा पौधा या ऐसा इंडिविजुअल जिसमें क्या फीमेल पहले डेवलप हो जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रोगाइनस, और जिसमें क्या हो मेल पहले डेवलप हो जाए, प्रो मतलब फर्स्ट, एंड्रस मतलब मैन, मतलब जिसमें मैन या मेल जो है पहले मेच्योर होता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्रस। अब आइए, इन प्रोटेंड्री एन एनिमल मेल ड्यूरिंग इन लाइफ साइकिल हिस्ट्री एंड द फीमेल लेटर इन द लाइफ साइकिल हिस्ट्री। यह कह रहा है इन प्रोटेंड्री में क्या होता है, एनिमल इज ए मेल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, मतलब जो प्रोटेंड्री जो होता है उसमें जो मेल होता है, नाम से ही लग रहा है एंड्री, तो मेल पहले डेवलप करता है, इट्स अर्ली लाइफ साइकिल हिस्ट्री एंड फीमेल लेटर इन द लाइफ साइकिल हिस्ट्री, मतलब इसमें जो होता है प्रोटेंड्री में मेल पहले डेवलप होता है और प्रोगाइनी में क्या होता है, फीमेल पहले डेवलप होता है। आइए अगला पॉइंट, द रिजर्व इज ट्रू फॉर प्रोगाइनी एनिमल द रिवर्स, और ये जो कह रहा है प्रोगाइनस एनिमल में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो प्रोगाइनस में क्या होगा, प्रो ऊपर लिखा ही है, प्रो मतलब पहले, गाइनस मतलब फीमेल, मतलब इसमें क्या होगा, फीमेल जो है पहले डेवलप होगी और मेल बाद में होगा। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग आर यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। जो कॉकरोच जिसको तिलचट्टा कहते हैं और ह्यूमन, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होते हैं। तो देखिए यही आपका
अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो लगभग जो है 3 नंबर के क्वेश्चन जो है अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपकी इसी वीडियो से, जिसको अगली बार 2021 में एग्ज़ाम देना है क्लास 12 तक का, उसके लिए समझ लीजिए एकदम ये अचूक चीज़ है। और आपको अगर कुछ अच्छा समझ में आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई इससे लाभ नहीं हो रहा है तो इसको देख करके वीडियो को डिलीट कर दें, और लाइक और शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।